हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की आप सबको बधाई है। कान्हा जी के भोग लगाने के लिए वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें अपने घर में बनाई होगी, माखन मिश्री और भी बहुत कुछ बनाया होगा। तो आज कान्हा जी का भोग लगाने के लिए मैं आपके साथ एक रसीली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो रसीले फ्रूटों से मिलकर बनी है। तो आइए देखते हैं कि हम आपको कैसी रेसिपी सिखा रहे हैं। जो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं कान्हा जी के भोग के लिए, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नाशपाती का। हम लोग बनाएंगे जाफरानी नाशपाती, साथ में हम लोग एप्पल भी बनाएंगे। तो ये है नाशपाती, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दाग नहीं है। आप साफ सुथरी एकदम नाशपाती ले लें। इसके साथ में मैंने लिए हैं 2 एप्पल और 2 नाशपाती। साथ में मेरे पास 1 कप चीनी, 1 कप पानी, उसके साथ है नींबू का रस मेरे पास है 2 से 3 चम्मच, 3 टी स्पून, है ना। उसके साथ है मेरे पास केसर के कुछ धागे, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया है थोड़ा सा। उसके पास है मेरे पास है इसके साथ कुछ इलायची, जैसे 2 से 3 इलायची है, जिनको मैंने पीस लिया है और चूरा कर लिया है। तो हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अपनी रेसिपी, हम लोग चीनी डालते हैं 1 कप, उसमें उतना ही जितनी आपने चीनी ली है उतना ही पानी डाल देते हैं 1 कप। हमने 1 कप पानी और 1 कप चीनी चढ़ा दिया है। हम लोग चीनी के घुलने तक इसको पकाएंगे। साइड में हम अपने फ्रूट्स को छील लेते हैं। एप्पल को बेसिकली हम लोग छील के नहीं रखते, क्योंकि वो काला हो जाता है। नाशपाती को मैंने छील लिया है बिल्कुल अच्छे से और बीच में से इसके बीज निकाल दिए हैं। देखिए दोस्तों, चीनी हमारी घुल चुकी है। अब हमने जो केसर भिगो के रखी थी हम वो डाल रहे हैं इसके अंदर। केसर डाल दिया हमने। अब हम डाल रहे हैं नींबू का रस। ये 2 टीस्पून नींबू का रस है। नींबू का रस हम लोग इसलिए डालते हैं चीनी में, ताकि चीनी जब गाढ़ी होने लगे तो उसकी लेयर ना जमे, चाशनी अच्छे से बन जाए और लेयर ना जमे। यहाँ पे हमने केवल रस बना लिया है, चीनी घोल ली है, हमने नाशपाती काट छील ली है, उसके बीच में से बीज निकाल लिया है और इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं डायरेक्ट पकाने के लिए। साथ में मैंने एप्पल भी छील ली है। इसको हम लोग डाल देते हैं इस तरह से और 3 से 4 मिनट इसको पकने देते हैं। बीच में हम लोग इसको एक बार पलटेंगे। हमने ये सब इसमें डाल दिया है और हम लोग इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। करीब 2 मिनट हो गए हैं, हम लोग इसको खोलते हैं, इनको पलट देते हैं, ताकि 2 मिनट यहाँ से भी ये अच्छे से पक जाए और इसमें केसर का कलर आ जाए। इसको वापस से ढक देते हैं हम लोग पकने के लिए, 2 मिनट और पकने देते हैं इसको। करीब 2 से 3 मिनट और हो गए हैं, अभी तक 4 मिनट हो गए हैं हम लोगों को इसको पकाते हुए। हम लोग कांटे से इसको डाल के देख लेते हैं। अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने में बाकी है, इसको हम लोग 2 मिनट और पका देते हैं, इसको पलट देते हैं वापस। तो फिर से 2 मिनट के लिए पका देते हैं, क्योंकि अभी फोक इसके अंदर आराम से नहीं जा रहा है। देखिए करीब 8 से 10 मिनट हो गए हैं, हमारी फोक बहुत अच्छे से अंदर जा रहा है। अब हम लोग गैस को बंद कर देते हैं और इनको बाहर निकाल देते हैं। देखिए इसका जब ये पक गया है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग इस पीसेस को निकाल देते हैं बाहर। रसीली नाशपाती देखिए तैयार है हमारी। हम इसके ऊपर हल्की सी इलायची जो हमने पीस के रखी है वो रख देते हैं और ये जो हमारा चीनी थी, जो इसका रस था, इसको हम थोड़ा पका के इसको गाढ़ा कर लेते हैं। देखिए
क्योंकि इसमें पकते समय फ्रूट्स का जूस भी सारा चला गया है, इस जूस के साथ इसको परोसेंगे। आप चाहे तो चाशनी में भी इलायची डाल सकते हैं, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। देखिए ये इलायची हमारी लगभग एक तार की हो जाएगी, ये चाशनी हमारी, ये देखिए देखिए इस चाशनी को हमने थोड़ा गाढ़ा कर लिया है, ये लगभग लगभग एक तार की हो गई है। देखिए वापस इसका तार ऊपर खींच के जा रहा है। अब हम लोग इसको सर्व करते हैं। देखिए ये तैयार है आपकी, इस पे हम लोग चाशनी, इस तरह से आप चाशनी को पोर करें। कान्हा जी के भोग के लिए जाफरानी नाशपाती विथ एप्पल। मैंने इसमें केवल सैफरन और इलायची का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस पे ड्राई फ्रूट भी ड्रिजल कर सकते हैं ऊपर से, और अपने टेस्ट के हिसाब से दूसरे फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उनको आप चीनी में पका सकते हैं पहले से। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कृपया कर इसे लाइक जरूर करें, आइकन बटन दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मैं आपकी लवली कमेंट्स का इंतजार करूंगी।